हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ट्रिपल सी वाईफाई सी चैनल पर। और आप सभी के लिए ट्रिपल सी अगस्त एग्जाम का लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और आज का क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में आज काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखना। उम्मीद है कि आपको क्लास ज़रूर पसंद आएगा और निश्चित रूप से आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। गुड इवनिंग टू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ट्रिपल सी बाई फर्स्ट चैनल पर। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में आए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप सभी वीडियोस को देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा दिया जा रहा है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। और एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर भी करें, ताकि और भी बच्चे लाइव सेशन में जुड़ सकें। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा दिया गया है, और क्वेश्चन है ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम जिसमें बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, तो कौन सा हो सकता है? ऑप्शन यहाँ पर पहला दिया टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज या फिर मॉस स्टोरेज। तो जल्दी से आपको अपना आंसर कमेंट में करना है और ज़्यादा समय नहीं देंगे आज आपको आंसर के लिए, ठीक है? तो जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे, उसके बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, मॉस स्टोरेज, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड स्कैनर और माइक्रोफोन उदाहरण हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के, इनपुट डिवाइसों के, आउटपुट डिवाइसों के या यूटिलिटीज़ के। तो जो कीबोर्ड है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, ये सभी के सभी एग्जांपल्स हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर टू का। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, इनपुट डिवाइसेज, ठीक है। कीबोर्ड है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइसेज हैं, इनपुट डिवाइसों के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्प्रेडशीट पर जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं, स्प्रेडशीट मींस एक्सेल, और स्प्रेडशीट पर जिस पॉइंट पर कॉलम और रो आपस में मिलते हैं उससे कहते हैं, उस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं। तो कई सारे ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, क्या होगा इसका सही जवाब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल, ठीक है। उस स्थान को हम लोग सेल के नाम से जानते हैं, जहाँ पर एक कॉलम और एक जो आपका रो है वो मिलता है, उसको, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्रामों को कहते हैं, तो कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी जो इंस्ट्रक्शंस, जो प्रोग्राम होते हैं उनको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी ह्यूमनवेयर, ऑप्शन डी प्रोग्रामर। तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, भाई आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंट्रोल करने संबंधी जो इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम होते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है, तो बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या है, 2, 4, 8, 10। तो यहाँ पर बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फाइव का। और यहाँ पर जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि जो आपके बाइनरी सिस्टम होते हैं उनका जो नंबर सिस्टम है बाइनरी, उसका जो आधार है वो 2 है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह से बनी होती है, मतलब जो कंप्यूटर की सूचना है वो डिजिटल होती है, इसका मतलब वो किससे बनी होती है, डिजिटों से, एनालॉग यूनिट, इनपुट या बाइटों।
जल्दी से आप लोग आंसर करिए। तो जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जो कि डिजिट से मिलकर के बनती है। तो ऑप्शन पहला यहां पर सही हो जाएगा, डिजिटों से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? तो सीडी रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है। कई सारे ऑप्शन हैं, कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो कौन सा होगा सही जवाब, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, उसके बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है? ओके, तो काफ़ी बच्चों ने आंसर यहाँ पे कर दिया है, और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोक्ता द्वारा सेव किए गए पुनः प्रयोग योग्य कमांडों या स्टेप्स के सेट को कहते हैं। मतलब प्रयोक्ता मतलब यूजर, तो यूजर के द्वारा सेव किए गए पुनः प्रयोग योग्य मतलब जिसको दोबारा से यूज कर सकें, ऐसी कमांडों या स्टेप्स के सेट को क्या कहते हैं। ऑप्शन वन में दिया मैक्रो, टेम्पलेट, फंक्शन, रिलेटिव रेफरेंस। अब आप यहां पर कौन सा आंसर सही करेंगे, जल्दी से आप लोग बताइए। ध्यान ये रखना है कि कमांडों के सेट की बात की गई है, कुछ कमांड्स की बात की गई है। तो देखो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्रो, ठीक है? तो यहाँ पर पहला आंसर आपका सही है, मैक्रो, जिससे कि हम लोग कमांड्स को सेट कर सकते हैं और इनको हम लोग पुनः यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अगर मैक्रो आपको नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, इस पर मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा और इसमें बता दूंगा कि कैसे मैक्रो आप इसको यूज करते हैं और कैसे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदले जा सकते हैं? तो वर्ड में जो पेज मार्जिन होता है उसको हम कैसे बदल सकते हैं। ऑप्शन वन में दिया है स्क्रॉल बार पर स्क्रॉल बॉक्स को ड्रैग करके, ऑप्शन बी रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके, ऑप्शन सी रूलर पर राइट माउस क्लिक करके, या फिर ऑप्शन डी रूलर पर मार्जिन सीमाओं को डिलीट करके। तो वर्ड में जो पेज मार्जिन होता है उसे हम कैसे बदल सकते हैं, आप लोग जल्दी से आंसर बता दीजिए, और काफ़ी बच्चों ने आंसर कर दिया है यहाँ पर। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को कहते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है को कहते हैं, क्या कहते हैं, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, या फिर ट्रांसलेटर। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असेंबलर, ठीक है? जो असेंबली लैंग्वेज होती है और उस असेंबली लैंग्वेज में जो प्रयुक्त ट्रांसलेटर होता है जो कि असेंबली भाषा को मशीनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, तो उस ट्रांसलेटर को असेंबलर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस की कौन सी तकनीक प्रयोग करनी चाहिए? मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हैं तो माउस की कौन सी तकनीक आप इस्तेमाल करेंगे। पहला ऑप्शन राइट क्लिक, ऑप्शन बी शिफ्ट क्लिक, ड्रैग ड्रॉप, यहाँ पे बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट क्लिक। उस ऑब्जेक्ट पर आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद उसके प्रॉपर्टी को आप चेक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल है? तो बाइनरी नंबर का उदाहरण यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर भेजो इसका क्या होगा सही जवाब। और आपको बता दें यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यह एक बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, किसी डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी होती है उससे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी, या सब डायरेक्टरी। तो किसी डायरेक्टरी के अंदर अगर कोई डायरेक्टरी होती है तो उसको क्या कहते हैं। और यहाँ पे आंसर आ चुके हैं बच्चों के, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, सब डायरेक्टरी, ठीक है? उसको हम सब डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। जैसे किसी फोल्डर के अंदर अगर कोई दूसरा फोल्डर बना दिया जाता है तो वो फिर सब फोल्डर के नाम से जाना जाता है, वैसे ही फोल्डर